आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है कि किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आदर्श प्रेरक, दूसरा विकल्प है अर्जित प्रेरक और तीसरा विकल्प है सामाजिक प्रेरक और चौथा विकल्प है जन्मजात प्रेरक। हमें यहाँ पे बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे हमारा अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्जित। प्रेरक कहलाते हैं। अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? तो जो प्रेरक जन्मजात ना होकर क्या होगा, जो प्रेरक जन्मजात ना होकर व्यक्ति द्वारा वातावरण के संपर्क में आकर सीख लिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक कहते हैं। यदि विकल्प में देखें, तुम्हारा पहला विकल्प क्या है? आदर्श प्रेरक। तो किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे हमारे आदर्श प्रेरक नहीं कहलाते हैं। तुम्हारा पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प है अर्जित प्रेरक। तो किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे हमारे अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। तुम्हारा दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तीसरा विकल्प है सामाजिक प्रेरक। तो सामाजिक प्रेरक भी जो है किसी बालक में जो है कि सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं तो हमारा विकल्प तीसरा भी नहीं होगा। विकल्प चौथा क्या है? जन्मजात प्रेरक। तो किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे हमारे जन्मजात प्रेरक भी नहीं कहलाते हैं। तुम्हारा विकल्प चौथा भी नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो विकल्प दूसरा है वो इसका सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।